हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आए एक नोटिफिकेशन को शेयर कर रही हूँ। ये नोटिफिकेशन है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022। जी हाँ, जो लोग इस बार HSLC में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। तो ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम उन बच्चों को देना है जिनका मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में बैकलॉग लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपका 4 सब्जेक्ट्स से या 5 सब्जेक्ट्स में बैक लगा है तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यहाँ पे देखिए मेंशन है, एज़ पर द अप्रूवल ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू होल्ड द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ HSLC AHM एग्जामिनेशन 2022 फॉर दोज कैंडिडेट हु कुड नॉट कम आउट सक्सेसफुल इन HSLC एग्जामिनेशन 2022 बट फेल्ड इन मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिनका भी 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है वो बच्चे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑप्टिन मिनिमम 170 मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि दे विल बी एलिजिबल टू अपेयर इन द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन सिंगल चांस। ठीक है, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आप लोगों का आखिरी मौका होगा जिससे आप इस सेशन में ही आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकोगे। अगर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम फिर से क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही फ्रेशली एग्ज़ाम देना पड़ेगा सारे के सारे पेपर का। ठीक है, द कैंडिडेट अपेयरिंग इन कंपार्टमेंटल एग्जाम हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 30% मार्क्स इन दी सब्जेक्ट अपेयर्ड एंड हिज टोटल मार्क्स मस्ट बी 180 और अबव टू कम आउट सक्सेसफुल। और बोला गया है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में मिनिमम आपको जिन भी सब्जेक्ट्स का आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 30% आपका मार्क्स आना पड़ेगा और ऑल ओवर टोटल मार्क्स आपका कितना होना पड़ेगा 180, तभी आप HSLC क्वालिफाइड कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद कहा गया ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन हायर क्लासेस इन द सेम एकेडमिक ईयर। और जो बच्चे पास हो जाते हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू उनको सेम मतलब इस ईयर ही आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आगे और कहा गया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मीनवाइल इफ सच कैंडिडेट कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 सिंगल चांस दे शैल हैव टू टेक री एडमिशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल टू अपेयर अगेन एज रेगुलर कैंडिडेट इफ सो डिज़ायर्ड। अगर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, री एडमिशन लेना पड़ेगा आप जिस भी स्कूल से पढ़े हो वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होगा वो दे दिया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, डिटेल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। ओके, द ऑनलाइन फिलिंग अप फॉर्म शैल स्टार्ट फ्रॉम 14/6/2022 टू 24/6/2022 मतलब दिस मंथ। ओके, जून के मंथ में 14 जून से लेकर के 24 जून के बीच में आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, अब फीस देख लेते हैं, फीस क्या है। द एग्जामिनेशन फीस ₹300 ओनली शैल हैव टू बी पेड फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना देना है, ₹300। ठीक है, थ्रू सिस्टम जनरेटेड चालान ऑफ असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड एंड ₹100 ओनली एज सेंटर फीस पर स्टूडेंट। ठीक है, और सेंटर फीस के लिए आपको देना है ₹100 पर स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी। अब एग्ज़ाम कब होगा वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट गाइज इतना ध्यान रखिए, ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका होगा। जिनका भी 3 सब्जेक्ट्स में बैक लगा है वो अपना मतलब HSLC सुधार सकते हैं फिर से, मतलब आप लोगों को एक चांस मिल रहा है कि आप क्वालिफाइड कर सको। तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी इस जून में आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा और नेक्स्ट मंथ 10 तारीख तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से पढ़ने में लग जाओ। जिन भी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को बैक लगा है उसे अच्छे से पढ़ो और टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।